हेलो बच्चों हाई पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल आज हम लोग क्लास नाइन महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक टॉपिक मरिस्टोमैटिक टीश्यू पढ़ने वाले हैं जो कि क्लास नाइन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सो so, स्टार्ट करते हैं एज मैरिस्टमैट मैरिस्टोमैटिक टिश्यू इज प्रजेंट इन स्पेसिफिक पार्ट ऑफ अ प्लांट ग्रोथ इन दोज पार्ट्स ओनली जो माइस्टोमैटिक टिश्यू होता है वो प्लांट के एक स्पेसिफिक पार्ट में ही प्रेजेंट रहता है और वो प्लांट के जो पार्ट्स है यानी प्लांट बॉडी के पार्ट्स में ग्रोथ करने के काम आता है सेल ऑफ द टिश्यू टिशू कंटेन्ज थिक साइक् साइटोप्लाज्म मायस्टमैटिक टिश्यू की जो सेल होती है वो उसमें थिक साइटोप्लाज्म रहता है यानी मोटा साइटोप्लाज्म रहता है अ कॉन्सिपेशियस न्यूक्लियस न्यूक्लियस एक अनथिन सेल वॉल और पतली सी सेल वॉल है एंड कंपैक्टली पैक्ड टुगेदर और जो सेल वॉल है वो एक दूसरे के साथ पैक्ड है वैक्यूल्स आर यूजुअली एब्सेंट इन दिस सेल इन सेल्स में वैक्यूल्स एब्सेंट रहते हैं द सेल्स आर हाईली एक्टिव इनके जो सेल्स हैं मैथमेटिक टिश्यू की सेल्स हमेशा एक्टिव रहती है

एंड लैटर मेरेस्टिम सो यहाँ आपको फिगर दे रखा है फर्स्ट एप्रिकल मेरेस्टिम के बारे में पढ़ेंगे एप्रिकल मेरेस्टम्स एट द टिप ऑफ द रूट एंड द स्टेम्स एप्रिकल मेरेस्टिम स्टेम और रूट के टिप पर रहता है यानी टॉप पॉइंट इंटरकाली मेरेस्टेम एट द बेस ऑफ द पेटियल्स ऑफ द लीवस एंड ऑफ ब्रांचेस इंटरकाल मेरेस्टिम्स लीवस और ब्रांच की जो पेटियोल्स होते हैं उसके बेस पर एंड लेटरल मेरिस्टेम्स लेटरल साइड्स ऑफ द रूट्स एंड स्टेम्स लेटरल साइड्स में रहेंगे सो फंक्शन ऑफ एप्रिकल आ इज इंक्रीज द लेंथ ऑफ द रूट एंड स्टेम एप्रिकल मेरिस्टेम्स की वजह से रूट और स्टेम की लेंथ इंक्रीज होती है इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स ग्रोथ ऑफ़ द ब्रांचेस फॉर्मेशन ऑफ द लीव्स एंड फ्लावर्स ब्रांचेस की ग्रोथ होती है लीव्स और फ्लावर्स का भी फॉर्मेशन होता है एंड द लास्ट इज लेटरल मेरिस्टेम्स इंक्रीज डायमीटर ऑफ द रूट एंड स्टेम्स इसकी वजह से रूट और स्टेम का डायमीटर इंक्रीज़ होता है इस वीडियो में हम लोग क्लास नाइन महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर्मानेंट टिश्यू पढ़ने वाले हैं सो so, स्टार्ट करते हैं आफ्टर दिया ग्रोथ इज इनकम्प्लीट न्यू सेल्स फॉर्म बाय द डिविजन ऑफ मेरेस्टोमेटिक टिश्यू लॉज दर एबिलिटी टू डिवाइड एंड स्टार्ट टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन एट द स्पेसिफिक प्लेस सो जैसे ही उसकी ग्रोथ कम्प्लीट हो जाती है किसी एक प्लांट की ग्रोथ कम्प्लीट हो जाती है तो जो न्यू सेल्स है जो कि मेरेस्टमैटिक टिश्यू की, की वजह से बने हैं तो वो अपनी एबिलिटी को खो देते हैं जिससे कि वो डिवाइड नहीं हो सकते और वो स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं स्पेसिफिक प्लेसेस पर थर्स दे परमानेंटली एक्वायर अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर शेप एंड लोकेशन एंड परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन दे दिस इज कॉल्ड एंड द परमानेंट इश्यू आर फॉर्म फ्रॉम दिस डिफ्रेंशियटेड सेल सो ये जो है इसकी वजह से उनका जो शेप है जो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है जो शेप है जो लोकेशन है उसमें डिफ्रेंशियशन आ जाता है देर आर टू टाइप ऑफ परमानेंट टिशू सिम्पल परमानेंट एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिशू परमानेंट टिशू दो टाइप के होते हैं पहला है सिंपल परमानेंट टिशू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिशू सो so, इस वीडियो में हम पहले हम सिंपल परमानेंट टिशू के बारे में पढ़ने वाले हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल सिंपल परमानेंट टिश्यू सिर्फ एक टाइप की सेल से बनते हैं अकॉर्डिंग टू द फंक्शन दे आर ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंट टाइप्स फंक्शंस के अकॉर्डिंग ये अलग अलग टाइप्स के रहते हैं फर्स्ट इज एपिडर्मिस So, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास नाइन्थ महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक टॉपिक एपिडर्मिस पढ़ने वाले हैं टेक अ फ्रेश एंड फ्रेश लीव ऑफ रोयो लिली और एनी अदर प्लांट हमको एक लीव लेनी है चाहे वो लिली के लिए या किसी और प्लांट के पोल प्रेस प्लेसेट टियरिंग एट ओबिकवन इन सच अ वे दैट एट ट्रांसपेरेंट एपिडर्मस विल भी विजिबल एट द कट मार्जिन हमको ऐसे उसको टीयर करना है ऐसे उसको फाड़ना है कि जो उसके ट्रांसपेरेंट एपिडर्मिक है वो हमको ईजीली विजिबल रहे टेक द ट्रांसपेरेंट एपिडर्मिक विद द फोर कैप्स एंड कीप इट इन द डायलूट सेफरीन सॉल्यूशन फिर हमको ट्रांसपेरेंट एपिडर्मस लेना है और उसको डायल्यूट सेफरीन सोल्यूशन में डाल देना है फॉर वन मिनट स्प्रेड इट ऑन वन स्लाइड फिर एक स्लाइड पर इसको रखना है कवर विथ अ कवर स्लेप, स्लैप अन्ज्जर्वेड अंडर अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप फिर माइक्रो कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर हमको देखना है द so, एटायर आउटर सर्फेस ऑफ अ प्लांट इज मेड अप ऑफ ओनली वन लेयर ऑफ सेल सो जो एंटायर आउटर सर्फेस ऑफ प्लांट का वो सिर्फ एक लेयर से बना है दैट लेयर इज कॉल एपिड उस लेयर को ही हम एपिडर्मिस बोलते हैं सेल ऑफ़ द एपिडर्मिस आर फ्लैट एंड एज देयर आर नो इंटर स्पेस बिटवीन दैम जो एपिडर्मिस के सेल होती है वो फ्लैट रहती है और बिल्कुल भी इंटर स्पेस नहीं रहती है अ सिंगल कंटीन्यूस लेयर इज फॉर्म एक सिंगल और पूरी कंटीन्यूस लेयर बनती है द एपिडर्मी ऑफ द स्टेम द लीज इज कवर्ड बाय द वैक्सी लेयर ऑफ ड्यू टू विच वाटर इज वाटर इन द टिश्यू ऑफ रेहोड प्लांट अंडरलाइंग दुटेन्ड अंडरलाइंग पार्ट इज रिटेंड सो जिससे कि जो वाटर है वो बाकी सारे पार्ट तक भी पहुँच जाए आज हम लोग इस वीडियो में क्लास नाइन महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक टाइप्स ऑफ सिंपल परमानेंट टीशूज़ पढ़ने वाले हैं सो परमानेंट टीशू सिंपल परमानेंट टिश्यू तीन टाइप के होते हैं फटे फर्स्ट इज़ पैरन कायमा कॉलिन कायमा एंड स्कैलन कायमा सो हम एक एक करके तीनों सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे सो so, फर्स्ट हमको पर, हम लोग पैरन कायमा के बारे में पढ़ेंगे पैरन कायमा का फिगर आपको दे रखा है जिसमें इंटर स्पेस है वाक्यूल्स से एंड क्लोरोप्लास्ट है स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स लिविंग सेल्स विद थिन सेल वॉल एंड इंटर स्पेस इनकी जो सेल्स रहती है वो लिविंग है और बहुत थीन सेल वॉल रहेगी यानी बहुत पतली सेल वॉल रहेगी और इंटर स्पेस भी है इनकी सेल्स के बीच में इस ये लोकेशन है ऑल पार्ट्स लाइक रूट्स स्टेम्प्स लीज फ्लार्स एंड सीड्स ये रूट्स में स्टेम्स में लीव्स में फ्लावर्स में और सीड्स में हर जगह मिलेंगे इसका फंक्शन है कि ये सपोर्ट करते हैं और फूड को स्टोर करके रखते हैं एंड फिलिंग द वैकेंट स्पेस यानी जो खाली जगह है उसको भी भर देते हैं एंड इसके दो सब टाइप है कॉलैन कायमा Such as leaf performs photosynthesis jo ki photosynthesis process karne mein kaam aata hai and aerenchyma helps aquatic plants leaves and stems to float ye aquatic plants ko help karta hai float karne mein next hum log padhenge collenchyma which is a second simple permanent tissue figure आपको दे रखा hai available figure है. स्ट्रक्चर ऑफ द सेल एलोंगेटेड लिविंग सेल्स विद द थिकन सेल वॉल्स एट द कॉर्नर्स ड्यू टू सेलुलॉस एंड पैक्टिन इसके जो सेल्स है एलोंगेटेड है यानि बहुत लंबी लंबी है और यहाँ की जो सेल वॉल मोटी है थिक है यानी जो उसके सेल वॉलॉल के जो कॉर्नर्स है वो बहुत थिक है क्योंकि सैलुलॉस और पैक्टिन उसमें प्रजेंट है लोकेशन है ऐट द बेस ऑफ द लीफ पेटिल ब्रांचेस एंड स्टेम्स ये लीफ के बेस पर पेटिल पर ब्रांचेस पर और स्टेम्स में मिलेंगे इसका फंक्शन है इट्स सपोज एंड फ्लैक्बिलिटी टू वेरियस पार्ट्स ये सपोर्ट करते हैं वेरियस अलग अलग पार्ट्स को और फ्लैक्बिलिटी भी बहुत है एंड थर्ड टाइप ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यूज कैलेंट कायमा जिसका फिगर हमको दे रखा है स्ट्रक्चर ऑफ द सेल इज डेड एंड फाइब्रस सेल विथ ट्रैपिंग एंड सेल वॉल कंटेंस लेगने इसकी जो सेल्स है वो डैड है और फाइब्रस है फाइबर से बनी हुई है सेल वॉल कंटेंस लेगने लोकेशन है स्टेम वफ़ द लीव हार्ट कोटेड ऑफ सीड्स आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनेट ये स्टेम्प्स में मिलेगी लीवस की जो वेंस हैं वहाँ पर सेट्स के जो हार्ड कोडेड रहेंगे वहाँ पर और जो तो नारियल की जो कवरिंग रहती है आउटर कवरिंग वहाँ पर ये हमको स्कैलकाइमा परमानेंट टिश्यू मिलेगा इसका फंक्शन है इट्स स्ट्रेंथ और रिजिडिटी टू द पार्ट ऑफ द प्लांट ये प्लांट को स्ट्रेंथ करते हैं और रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं हेलो बच्ची हाई ये पूर्वी ऑन बिहाफॉर पर्सनल यूट्यूब चैनल आज हम लोग क्लास नाइन्थ महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक टॉपिक टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिशू पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट ईश्यू कितने टाइप के होते हैं सो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टीशू कैन बी क्लासीफाई इंटू टू कैटेगरी फर्स्ट इज इज़ालम एंड सेकेंड इज फ्लोयम सो एक एक करके हम दोनों के बारे में पढ़ेंगे सो so, फर्स्टली हम जालम की करैक्ट्रिस्टिक्स पढ़ेंगे जालम कंसिस्ट ऑफ थे वॉल डेड सेल्स जालम में मोटी वॉल रहती है जो कि डेड सेल से बनी हुई है एंड फ्लोयम कंसिस्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग द लिविंग सेल फ्लोयम में लिविंग सेल रहती है जिसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है जालम टाइप्स ऑफ सेल्स इन जालमसार ट्रैकिअ वसल्स एंडम फाइबर डेड सेल्स जायलम पैरिन काया लिविंग सेल एंड टाइप ऑफ सेल्स प्रजेंट इन फ्लोएम आर साइट ट्यूब्स कंपेनियन सेल्स फ्लोएम पैरिनकामा लिविंग सेल फ्लोएम फाइबर इज डेड सेल सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये एग्जाम में पूछा भी जाता है टाइप ऑफ सेल्स ऑफ फ्लोएम एंड जालम ना द फ्क्शन ऑफ जालम इज स्ट्रक्चर लाइक इंटरकनेक्टेड ट्यूब्स कंडक्ट वाटर और मिनरल्स ओनली इन द अपवर्ड डरेक्शन जालिम वाटर और मिनरल्स को अपवर्ड डरेक्शन में लेकर जाता है और फ्लोयम जो है ट्यूब्स जॉइंट टू ई ज्यादा यहाँ पर जो ट्यूब्स एक दूसरे से जॉइंट है कंडक्ट द शुगर एंड एमिनो एसिड फ्राम द लीव टू वेरियस पार्ट एन द अपवर्ड एंड द डाउनवर्ड डरेक्शन यहाँ पर शुगर और अमिनो ऐसिड का ट्रांसफ़र होता है लीव से दूसरे पार्ट्स में ये दोनों डायरेक्शन में मूव करता है अपवर्ड डायरेक्शन में भी और डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी आई होप कि आपको समझ में आया होगा सम सेल्स इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर टॉट इम्पोर्टेंट दैट इज इफ प्रोवाइडेड अ प्रॉपर इन्वामेंट अ न्यू ऑर्गेनिजम्स कैन ग्रो फ्रॉम दिस सेल इट फॉज रियलाइज दैट विद द हेल्प ऑफ दिस प्रॉपर्टी ऑफ द सेल and they genetically controlled by chemical process variety of high yield crops and the new species of animals and the various vaccines could be produced this led to the rise of a new branch in biology biotechnology आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास नाइन महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक टॉपिक बायो टेक्नोलॉजी पढ़ने वाले हैं, सो स्टार्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्निक इट वॉज़ बिकम हेलो बच्चों हाय पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल आज हम लोग क्लास नाइन्थ महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक टॉपिक बायोटेक्नोलॉजी पढ़ने वाले हैं सो स्टार्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्निक इट हैज़ बिकम पॉसिबल टू प्रोड्यूस द प्लांट्स एंड एनिमल्स बियरिंग सम न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स इन एडिशन ऑफ देयर नेचुरल वन इस टेक्निक की वजह से आजकल ये पॉसिबल हो गया कि हम प्लांट्स और एनिमल्स के कुछ करेक्ट्रिस्टिक्स को प्रोड्यूस कर सके दिस टेक्निक ब्रिंगिंग अबाउट द इम्प्रूवमेंट इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स बाय आर्टिफिशियल जेनेटिक चेंजेस। इस टेक्निक की वजह से बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है बाय हाइब्रिडाइजेशन फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बींग्स आर टुगेदर कॉल बायनोला बायो टेक्नोलॉजी सो आर्टिफिशियल जेनेटिक हुए हैं और हाइब्रिडाइजेशन भी हाइब्रिडाइजेशन चेंजेस हुए हैं जिसकी वजह से इस टेक्नोलॉजी का नाम रखा गया है बायो टेक्नोलॉजी इट इंक्लूड्स द टेक्निक ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड द टिश्यू कल्चर इसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग और टिश्यू कल्चर दोनों की ही प्रॉपर्टीज़ है इट इट यूजेज आर इन द प्रोडक्शन ऑफ कैश क्रॉप improvements in the variety of cash crops increase in the ability of plants to withstand environmental stress, vaccine production, early diagnosis of the conjunctival disease, organ transplant. transplant, cancer research, production of the artificial skin, cartilage, etc., in laboratory. so, like this technology. हमारे यूज़ में आई जैसे इसका प्रोडक्शन हुआ तो वैसे वैसे हमारे लाइफ भी बहुत सिंपल हो गई यानी हमको बहुत अलग अलग वैरायटी की कैश क्रॉप्स मिल गई उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट आ गया फिर प्लांट्स की एबिलिटी भी बढ़ गई जैसे वो इन्वॉमेंटल स्ट्रेस को सहन कर सके वैक्सीन का प्रोडक्शन होने लग गया कॉन्चेक्टियल डिसीज़ के लिए डायग्नोसिस आ गई ऑर्गन ट्रांसप्लांट होने लग गए कैंसर रिसर्च प्रोडक्शन ऑफ द आर्टिफिशियल स्की लेबोरेटरीज। सो अब हम लोग क्लास नाइन्थ महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक टॉपिक टिश्यू कल्चर पढ़ने वाले हैं सो स्टार्ट करते हैं कैन यू रिकॉल Suppose you want to grow a garden like this one show on this बज्जा around your school or home. What would you do to achieve that? So अगर हमको इस टाइप का गार्डन बनाना है या तो हमारे स्कूल में या घर में so क्या क्या मैथड्स हमको use करनी रहेगी जैसे कि हम सिर्डलिंग को कल्टिवेट कर सकें यू मस्ट seen द फ्लावर्स ऑफ द सेम वेराइटी बट ऑफ टू टू थ्री डिफरेंट कलर्स बॉन बाय द सेम प्लांट्स हम लोगों ने देखा है कि अलग अलग टाइप के जो फ्लावर्स होते हैं मतलब सेम टाइप के फ्लावर्स के ही डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं हाउ इज इट पॉसिबल ये पॉसिबल कैसे है लेटस लर्न अबाउट अ मॉडर्न टेक्निक रिलेटेड टू फार्मिंग एंड गार्डनिंग सो अब हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे कि कैसे मॉडर्न टेक्निक आइए फार्मिंग में भी और गार्डनिंग में भी प्लांट प्लांट्स है लेकिन उसका जो प्रोडक्ट है यानी जो फ्लावर्स है वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के हैं। एग्जाम्पल विवो ग्रोथ ऑफ सेल और द टिश्यू इन द दस्पेटिक एंड द न्यूट्रिएंट्स रिच मीडियम इज कॉल्ड द टिश्यू कल्चर नाउ डे अ कम्प्लेट ऑर्गेनिजम्स कैन बी डेवलप फ्रॉम अ सिंगल सेल और फ्रॉम अ टिश्यू विद द हेल्प ऑफ टिश्यू कल्चर टेक्निक सो so, आज के टाइम पर जो टिशू ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो या तो सिंगल सेल से बनते हैं या टिशू कल्चर टेक्निक से अ लिक्विड सॉलिड और अ जेल लाइक मीडियम प्रिपेयर्ड फ्रॉम द अगर विद सप्लाइज द न्यूट्रिएंट्स एंड द एनर्जी नेसेसरी फॉर द टिश्यू कल्चर इज यूज इन दिस टेक्निक इस टेक्निक में लिक्विड सॉलिड और जेल मीडियम भी बनाया जाता है जिससे कि मीडियम टिपेट्रम अगर अगर से बनता है जो कि सप्लाई करता है न्यूट्रिएंट्स को और एनर्जी को सो वेरियस प्रोसेस इन द टिश्यूकल्चर कल्चर में बहुत सारी प्रोसेस रहती है जैसे कि सोर्स प्लांट बल्ब कॉम ऑफ द सोर्स प्लांट दैन प्राइमरी ट्रीटमेंट दैन रिप्रोडक्शन एंड मल्टीप्लीकेशन देन शूटिंग एंड रूटिंग प्राइमरी हार्निंग एंड सेकेंडरी हार्डनिंग सो ये अलग अलग प्रोसेस है जो टिश्यू कल्चर में होती है आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास नाइन महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक बहुत सिंपल टॉपिक चेंजेस इज एग्रीकल्चरल मैनेजमेंट ड्यू टू बायोटेक्नोलॉजी लॉजिक की वजह से, से एग्रीकल्चर मैनेजमेंट में क्या चेंजेस आए फर्स्ट इज जेनेटिकली मॉडिफाई ग्रॉप क्रॉप आर बिंग प्रोड्यूस बाई इंट्रोड इंट्रोड्यूसिंग चेंजेस इन डी एन एफ द नेचुरल क्रॉप्स सो जेनेटिकली मॉडिफाई क्रॉप्स जो है उसमें बहुत सारे चेंजेस आए जैसे कि अगर नेचुरल क्रॉप के डी एन ए में जैसे चेंजेस आते हैं वैसे उसमें जेनेटिकली चेंजेस आ गए हैं नॉर्मली सच वेराइटीज़ आर नॉट फाउंड इन नेचर वैसे नॉर्मली इस टाइप की वैरायटी नेचर में नहीं पाई जाती है आंथस न्यू वैराइटीज़ आर प्रोड्यूस आर्टिफिशियली सो so, इस टाइप की वैरायटी हम आर्टिफिशियली प्रोड्यूस करते, है। in करते हैं डिफरेंट यूजफुल कैरेक्टर्स आर इंट्रोड्यूज इन सच वैराइटीज़ अलग अलग कैरेक्टर्स हम इन्वॉल्व करते हैं यहाँ पर अलग अलग वैराइटीज़ के लिए अलग अलग कैरेक्टर्स स्टिक्स को हम इंट्रोड्यूस किया जाता है नेक्स्ट इज

ड्राई एंड वेट फेमाइंस आ जाता है, क्लाइमेट में चेंजेस आ जाते हैं हव जी एम क्रॉप्स कैन ग्रो इन एनी ऑफ द सच एडवर्स कंडीशन जो जेनेटिकली क्रॉप्स जो है वो किसी भी एक ही टाइप की कंडीशन में ही ग्रो कर सकती है एस जी एम क्रॉप्स आर रेसिडेंट टू इंसेक्ट पेस्ट पैथागॉन्स केमिकल वेडिसाइड्स एंड द यूज ऑफ हार्मफुल केमिकल्स लाइक द पेस्टिसाइड्स कैन भी अवॉइडिड सो so जी जो क्रॉप्स है उसमें हार्मफुल केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स यानी जितने भी केमिकल्स यूज होते हैं वो नहीं यूज़ होते हैं ड्यू टू यूज़ ऑफ़ द सीड ऑफ़ जी एम सीड्स देयर इज़ इम्प्रूवमेंट इन द न्यूट्रिटिव वैल्यू एंड डिक्रीज इन द लॉस ऑफ़ क्रॉप्स जैसे जैसे जी एम सीड्स का यूज़ बढ़ता जा रहा है वैसे ही न्यूट्रिटिव वैल्यू में भी इंक्रीमेंट हो रहा है यानी न्यूट्रिशन की जो वैल्यू है वो भी बढ़ती जा रही है और लॉस ऑफ क्रॉक्स विल बी डिक्रीज इन दिस वे ग्रीन इवोल्यूशन इज बींग अचीव थ्रू द टिश्यू कल्चर एंड अ कंट्री लाइक इंडिया विद पॉपुलेशन इज मीटिंग विद सक्सेस इन प्रोड्यूसिंग द सफिशेंट फूड ग्रेन्स फॉर ऑल इसके वजह से ग्रीन इवोल्यूशन आ गया है जैसे इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो इंडिया खुद ही यानि हमारी कंट्री खुद ही इतना कल्टीवेट कर लेती है कि भारत की जितनी पॉपुलेशन है सभी के लिए सफिशेंट रहे आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास नाइन्थ महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक टॉपिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन द फॉरिकल्चर नर्सरीज एंड फॉरेस्ट्री सो स्टार्ट करते हैं नर्सरीज आर नेसेसरी फॉर वेरियस पर्पस लाइक ग्रोइंग द गार्डन्स ऑन द लार्ज स्केल एफॉरेस्ट्रेश रिफॉरस्ट्रेशन एक्सेट्रा नर्सरीज बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि वहाँ पर गार्डन उगाए जाते हैं बहुत बड़े स्केल पर यानी बहुत बड़े लेवल पर बहुत सारे प्लांट्स मिलेंगे आपको ईफॉरेस्ट्रेशन रहेगा क्योंकि कई प्रकार के ट्रीज और प्लांट्स मिलेंगे वहाँ पर रिफॉरेस्टेशन है सेडलिंग्स हैव टू बी सप्लाइड इन अ लार्ज नंबर फॉर ऑल दिस पर्पस इस पर्पस के लिए जो सीड्स से है वो बहुत लार्ज लेवल पर सप्लाई की जाती है इट इज़

प्लांट को ग्रो करने की काम आता है जहाँ पर प्लांट बहुत लार्ज स्केल पर ग्रो करते हैं वहाँ कल्चर यूज़ में आता है जहाँ पर फ्लावर्स भी उगते हैं फ्रूट्स भी उगते हैं वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी के फुल्ली ग्रोन प्लांट कैन बी प्रोड्यूस इन द शॉर्ट ड्यूरेशन जो फुल्ली ग्रोन प्लांट्स है वो कुछ ही समय में बहुत शॉर्ट टाइम में ही प्रोड्यूस हो जाते हैं plants can be grown on a large scale even if means of the pollination or the germinating seeds are not available. plants ek bahut bade scale par उगाए जाते hain jisse ki pollination bhi बढ़ jata hai और जो germinating seeds हैं वो वहाँ पर available भी नहीं रहती है. for example और चीट और the picture plant जो not germinate but they बट दिस प्लांट कैन ईजीली बी प्रोड्यूसिस बाय द मीन्स ऑफ टिश्यू कल्चर जैसे ऑर्चिड और पिचर प्लांट जो है उसको हम जर्मिनेट नहीं कर सकते लेकिन ये टिशू कल्चर की टेक्निक से ईजीली प्रोड्यूस हो जाते हैं ए न बायो रिएक्ट सेल्स कैन बी ग्रोन अ मोर न्यूट्रिटिव मीडियम एंड प्रोटेक्टेड फ्राम द पैथगॉन्स बायो रिएक्टर्स आर यूजफुल फॉर प्रोड्यूसिंग द प्लांटलेट्स ऑन अ वेरी लार्ज स्केल सो जब बायो सेल्स है जो यहाँ पर सेल्स उगाई जाती है वो बहुत ही न्यूट्रिटिव रहती है और पैथोगॉन से भी प्रोटेक्टेड रहती है यानी वो बैक्टीरिया फंगी से भी प्रोटेक्ट बाय रिएक्टर्स आर यूज़फुल फॉर प्रोड्यूसिंग प्लांट लेट्स ऑन अ वेरी लार्ज स्केल सो जो बायो प्रोटेक्टर्स है वो बहुत बड़े हिस्से पर किया जाता है जिससे कि वो प्लांट्स को बचा सके लार्ज नंबर ऑफ सीडलिंग प्लांट लेट कैन बी प्रोड्यूस इन द शॉर्ट टाइम यूजिंग द मिनिमम रिसोर्सेज एंड मटेरियल बहुत बड़े लेवल पर प्लांट्स को उगा सकते हैं बहुत कम टाइम में और बहुत कम मटेरियल के साथ यूजली प्लांट्स प्रोड्यूस बाय द टिश्यू कल्चर एंड द जेनेटिकली मॉडिफाइड टेक्निक्स आर डिस फ्री जो प्लांट टिश्यूकल्चर टेक्निक से और जो जी एम टेक्निक से बनाए गए वो डिस फ्री रहते उससे कोई बीमारी नहीं होती है plantlets produced by the tissue culture of the myristomates are virus-free or virus-free b. ambrois formed by the conventional hybridization technique between the two or more varieties may not good, grow fully for some reason. however, embryos produced by the tissue culture technique always complete the growth. last point is, rare and endangered plant can be grown by the tissue culture technique. And thus can be protected from the extinctions. similarly, various plants and sets of such plants can be prevented by the tissue culture and those varieties can be protected. these are the uses of the tissue culture and the biotechnology in case of the plants. next year, we will study the use of technique in the me medical field and for the conservation of animals. So आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर होगा आज हम लोग इस वीडियो में क्लास नाइन महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक टॉपिक एग्री टूरिज्म पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। इफ़ सफिशेंट लैंड इज अवेलेबल द इमर्जिंग फील्ड ऑफ एग्री टूरिज्म वुड बी गुड बिजनेस अगर हमारे पास सफिशेंट लैंड है तो हम वहाँ पर एग्री टूरिज्म कर सकते हैं जो कि एक बहुत अच्छा बिजनेस है प्लांटलेट्स ऑफ फ्लावरिंग, मेडिसिनल ऑर्नामेंटल वेजिटेबल्स प्लांट्स एंड फ्रूट ट्रीज़ कैन बी प्रोड्यूस ऑन अ लार्ज स्केल बाय द कल्चर टेक्निक सो यहाँ पर टिश्यू कल्चर टेक्निक से कई सारे प्लांट्स उगाए जाते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स है मेडिसिनल प्लांट्स है फ्रूट ट्रीज़ है, है हम इसको बहुत बड़े हिस्से पर उगा सकते प्रोड्यूस कर सकते हैं आन बाय ग्रोइंग सम ऑफ द प्लांट फुली असफ़िशेंट एग्रीटोरिज्म सेंटर कैन बी डेवलप और जैसे ही ये प्लांट अच्छे से ग्रो करते हैं तो एक सेल्फ सफिशेंट एग्रीकल एग्रीटोरिज्म सेंटर डेवलप हो जाता है सच एस मैंगो चीकू गुआवा, कोकोनट कस्टर्ड एप्पल एंड सम अदर रीजनल फ्रूट ट्रीज शेड्स लाइक लोकल एंड द अट्रैक्टिव प्लांट्स यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव प्लांट्स है ऑर्नामेंटल एंड द फ्लांग प्लां फ्लावरिंग प्लांट्स भी है और ऐसे प्लांट्स भी है जिससे हम ऑर्नामेंट्स बनाते हैं बटरफ्लाइज गार्डन मेडिसिनल प्लांट गार्डन ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स पीपल विजिट द प्लेसेस विद सच अट्रैक्शन In the large number, sealing plantlets, seedling, fruits, vegetables at such places can be quite profitable. Thank you.